Hi guys, I'm Divya and you're most welcome on this channel Aesthetic Divya। मैं इस चैनल पे होम डेकोर DIY एंड ऑर्गेनाइजेशन टाइप के वीडियोस बनाती हूँ एंड आज का जो वीडियो है वो एक शॉपिंग हॉल वीडियो है। ये वीडियो एक्चुअली प्लान नहीं था, मैं ये वीडियो नहीं करने वाली थी, बट मैंने कुछ सामान कुछ टाइम पहले लिया था होम डेकोर से रिलेटेड। बट अभी Amazon पे फ्रीडम सेल चल रही है, इंडिपेंडेंस डे सेल। हर साल इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे Amazon पे फ्रीडम सेल होती है एंड उसपे काफी अच्छे ऑफर्स होते हैं। तो आई वॉज जस्ट चेकिंग आउट कि कितना डिस्काउंट है, कैसे ऑफर्स है। तो आई रियलाइज कि मैंने जो चीज़ें कुछ टाइम पहले ली है वो अभी काफ़ी अच्छी डील में मिल रही है, काफ़ी कम प्राइसेस में मिल रहा है। तो मैंने तो ये प्रोडक्ट सेल में नहीं लिया है, बट इनमें काफ़ी अच्छी डील है, इसलिए मैं आपको प्रोडक्ट अभी दिखाने वाली हूँ। सो इफ़ यू वांट आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं बिकॉज इट्स अ गुड टाइम नाउ। एंड ये जो फ्रीडम सेल है ये 6 to 10 अगस्त है। तो आज 6 अगस्त है, आज मैं प्राइजेस चेक कर रही थी एंड आई थॉट कि ये वीडियो तो बनता है। एंड हाँ, सारे प्रोडक्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी एंड सबका जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी या बोल के बता दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस। इफ यू आर थिंकिंग ये क्या है, तो ये हैंगिंग प्लांट होल्डर है। तो ये मैक्रेमे का बना हुआ है, इसके ऊपर इस तरीके की रिंग लगी हुई है एंड काफी सिंपल सा है, क्यूट सा है। बट ये सिर्फ एक नहीं है, ये सेट ऑफ 5 आते हैं। मेरे पास 2 हैं अभी, बाकी 3 मैं इधर उधर यूज कर रही हूँ घर में ऑलरेडी। तो ये सेट ऑफ 5 है एंड इसमें इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे आप अपना पॉट रख सकते हैं इस तरीके से। तो ये काफी क्यूट सा है, बहुत सिंपल सोबर सा है, बट प्लांट हैंग करने के लिए बहुत ही हैंडी है। एंड आप इसको खुद बना भी सकते हैं, DIY भी कर सकते हैं। जैसे कुछ नॉट्स बांधनी है, दैट्स इट, मैक्रेमे थ्रेड और रिंग। बट द पॉइंट इज कि आप 5 ऐसे वाले बनाओगे, जो मैक्रेमे थ्रेड लगेगा, जो ये रिंग लगेगी, वो सब मिला के कॉस्टिंग आपकी ज़्यादा ही जाएगी। एंड कैन यू गेस कि ये काफ़ी कम प्राइस का है। आई थिंक अभी 300 रुपीज़ का है, सेट ऑफ 5 मिल रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट डील, इट्स अ मस्ट बाय। सो नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस पॉम्पॉम लेस। आप सोच रहे होगे कि होम डेकोर वाले वीडियो में पॉम्पॉम लेस क्या कर रही है, ये तो फैशन से रिलेटेड है। यस एग्जैक्टली, फैशन से रिलेटेड है। आपको फैशन वाली चीज़ों में लाइक अपने कपड़ों में लगानी है तो इसलिए लगा सकते हैं। ये 9 मीटर है और मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि ये ना काफ़ी हैंडी रहती है आपकी कोई भी सॉफ्ट फर्निशिंग को न्यू लुक देने के लिए। लाइक आपके पास अगर पुराने कर्टन्स है तो उसमें लगा दो, बेडशीट में लगा दो, जो लटकने वाला पार्ट होता है वहाँ लगा दो, क्यूट लगेगा। एंड जो सोफा थ्रोज होते हैं उसमें लगा सकते हो, पिलोज में लगा सकते हो, नॉर्मल जो फैब्रिक ग्लू होता है वो यूज कर लो, दैट्स इट। तो मेरे माइंड में कुछ है, पुरानी जो दरी होती है ना उसमें भी लगा के आप उसको न्यू लुक दे सकते हो। तो इस पर भी काफ़ी अच्छी डील है, आई थिंक ये 199 रुपीज़ की है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस फरी थिंग। मुझे काफ़ी टाइम से ही चाहिए था और मैंने ये अपना एक चेयर मेकओवर वाला वीडियो है उसके लिए लिया था। तो ये फर रनर है, ठीक है, फर वाला कपड़ा है, वाइट फर है और प्लेन बेसिक रनर है। आई थिंक ये पूरा 6 फीट है और इधर से ये 1.5 फीट है। तो कोई भी चीज़ को मतलब नॉर्मल बेसिक रनर यूज़ करने से अच्छा आप ये यूज़ कर सकते हैं, अपने सोफा पे रख सकते हो, अपने बेड पे जो कंफर्टर है उसके ऊपर डाल सकते हैं टू गिव इट मोर पुट टुगेदर लुक। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने अपनी ये प्लास्टिक चेयर को मेक ओवर करने के लिए लिया था एंड मेरी चेयर का तो पूरा लुक ही चेंज हो गया था। दिस इज़ वेरी नाइस और ये काफ़ी कम प्राइस में अभी मिल रहा है। नॉर्मली फर की चीज़ें महंगी होती है, इफ़ यू नो। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत अच्छा फर नहीं करा, पैसे निकालोगे ना तो थोड़ा थोड़ा ही निकलेगा, बट कंसिडरिंग द प्राइस इट्स अ ग्रेट डील। एंड इसमें ना और भी बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन अ फरी वन। तो ये सेट ऑफ 2 फर कुशन कवर है। ये जो स्मॉल वाले कुशन कवर होते हैं ना वो है, इसका साइज मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो अगेन इसमें भी बहुत सारे कलर्स है एंड काफ़ी रीजनेबल था ये और इस पर तो अभी बहुत अच्छी डील चल रही है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फर एंड एवरीथिंग, दिस टाइप की चीज़ है, नॉर्मल सोफे पे रख दो, चेयर पे रख दो, लुक ही चेंज हो जाता है एंड इसमें कलर्स है। सो इफ यू वांट यू कैन चेक दिस आउट। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वॉलपेपर। ये मार्बल फिनिश का वॉलपेपर है। मार्बल फिनिश वाले वॉलपेपर बहुत ही ट्रेंड में रहे बीच में, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें थोड़ा रोज पिंक टाइप का टिंट है और ग्लॉसी फिनिश है, वाटर प्रूफ है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट लगा। ये ना मैंने अपने पैसेज एरिया मेकओवर में यूज़ किया था, जो सिंक एरिया होता है ना उसकी वॉल पे यूज़ किया था। तो एक ग्लॉसी फिनिश है ना, तो वाटरप्रूफ है, तो अभी तक अच्छा चल रहा है। तो उस मेकओवर को 2-3 महीने तो हो गए, अभी तक इट्स डूइंग सो फाइन परफेक्ट। तो कोई भी चीज़ का एकदम क्विक से मेकओवर देना है ना, तो दिस इज परफेक्ट। आप अपने टेबल टॉप वगैरह पे, स्टूल वगैरह पे भी इसको लगा सकते हैं। स्टूल वाले वीडियो में मैंने इसको यूज़ किया था, ये इतना ही बचा है बट इट्स नाइस। मतलब थोड़ा डिफरेंट मार्बल टाइप का फिनिश है, इसमें ब्लैक कलर वगैरह भी है, तो काफ़ी अच्छा है एंड अभी ये काफ़ी अच्छी डील में मिल रहा है ना। तो नेक्स्ट इज दिस बेड साइड टेबल। ये काफ़ी ट्रेंडी पैटर्न में है, मतलब कि इस टाइप के लेग्स वगैरह ये सब काफ़ी ट्रेंडी है अभी, बट ये काफ़ी कम प्राइस में है। आई थिंक शायद ये अभी 400 रुपीज़ का मिल रहा है। तो और इसके ऊपर ये इस तरीके का टॉप है, तो बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं है आई मस्ट से। ये असेंबल होके नहीं आता है, आपको ये पूरा लगाना होता है, बहुत ईजी प्रोसेस है और बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ सा है। अगर कोई ऐसी जगह आपके घर में जाओ जिसको कोई बार बार छेड़ेगा नहीं, तो बस कोने में कुछ रख दिए तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन बहुत स्टडी नहीं है। रिपीटेटिव यूसेज नहीं कर सकते, बार बार हिला नहीं सकते हैं, बट दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत क्यूट लगता है। एंड और क्या मिलेगा यार 400 रुपये में, इट्स अ गुड डील, इट्स अ बेस्ट डील, बट कोने में पड़ा रहे तभी। ना जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं उसको ऐसे उठा के नहीं दिखा सकती बिकॉज बहुत भारी चीज़ है, बट बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है ना थक के आओ, लगता है कि यार कोई पैर दबा देता, हाथ दबा देता, तो इट्स अ बेस्ट थिंग। इट्स अ फुट मसाजर। और मैं काफ़ी टाइम से फुट मसाजर लेने की सोच रही थी, बट मुझे ना वो बड़े वाले दिख रहे थे जो नीस के नीचे तक का पूरा कवर करते पैर, तो बट वो काफ़ी महंगे थे, 10,000 प्लस ही थे। एंड आई वॉज नॉट श्योर कि मैं इतना इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ, मैं इसको यूज़ करूँगी या नहीं, ये मेरे कितने काम आएगी नहीं आएगी। बट देन मुझे ये वाली दिखी, तो ये कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में थी, आई थिंक 1500 थी। अभी इसका करेंटली जो प्राइस है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एंड द बेस्ट पार्ट है कि इसको आप मतलब सिर्फ फुट नहीं, आप अपने लेग्स भी, थाइज भी, हैंड्स भी सब इसमें मसाज कर सकते हो। मैं क्लिप्स लगा दूंगी। तो दिस इज अ मस्ट बाय। अगर आपके घर में कोई एल्डरली लोग हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उनके हाथ पैर कोई दबा दे, तो दिस इज अ मस्ट बाय। मतलब बजट में आपको सारी चीज़ें मिल रही है, तो मैं तो इसका फुल मज़ा उठाती हूँ। मैं 2-3 महीने से ये मेरे पास एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। हाँ, तो नेक्स्ट वॉल पेपर इज माई फेवरेट वन, टच वुड, दिस इज द मोस्ट फेवरेट वन। इसमें ना ये ऐसे लाइव एज वुड वाला प्रिंट बना हुआ है, वुडन कटिंग वाला, और इसको मैंने 1-2 जगह यूज़ किया है एंड जहाँ भी यूज़ किया है उसका पूरा लुक ही चेंज हो गया है। सॉरी, तो मैंने जहाँ भी यूज़ किया उसका पूरा लुक ही चेंज हो गया है। मैंने पैसेजेरिया मेकओवर में भी यूज़ किया था, जो मेरा स्विच बोर्ड इलेक्ट्रिक पैनल है ना, उसको मेकओवर देने के लिए बस चिपका दिया एंड इट्स लुकिंग सो नाइस। एंड स्टूल वाले वीडियो में भी यूज़ किया है एंड इतने लोगों ने इसको खरीदा इसको देखने के बाद एंड अपने घर में चीज़ें रिक्रिएट की एंड मुझे पिक्स भेजी। मतलब ये सबका फेवरेट हो गया है, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट हियर ऑल्सो। और अभी क्योंकि अच्छी डील में मिल रहा है, सो दिस इज अ गुड बाय। मतलब घर की किसी भी चीज़ को यूँ मेकओवर दे सकते हो आप। ना तो नेक्स्ट वन इज होम असेंशियल। ये वो बैलून को फुगाने का है, बैलून इन्फ्लेट करने का। तो एक्चुअली मेरे बेबी का भी बर्थडे आने वाला है, तो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में प्लान है, उसके लिए मुझे चाहिए था, बट ये काफ़ी कम प्राइस में मुझे मिल गया। एंड मैंने ना काफ़ी टाइम से मैं लेने की सोच रही थी, बट रिव्यूज़ में देख रही थी तो सबके ऐसे था, अरे तो काम ही नहीं करता, एक बार काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है एंड ऑल दैट, बट दिस वन इज वर्किंग फाइन और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। अभी इस पर डील भी है, तो आप ले सकते हैं इफ यू वांट। नाउ नेक्स्ट वन इज अगेन अ वॉल पेपर, और इसका बस इतना सा टुकड़ा मेरे पास बचा है। ये मैंने पैसेजेरिया मेकओवर में यूज़ किया था, तो ये ऐसे सीमेंट फिनिश वाला है, बहुत ही रॉ फिनिश है। इस टाइप का टेक्सचर ना अभी बहुत चल रहा है, और बेडरूम्स में, वॉल्स में, डाइनिंग एरिया की वॉल में अगर आप लगाओगे ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत महंगा कुछ काम किया हुआ है आपने, डिज़ाइनर से कुछ करवाया है, बट इट्स जस्ट अ नॉर्मल वॉल पेपर। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे अपने लिविंग एरिया में कोई एक्सेंट वॉल बनाना है बेडरूम में, तो ये वॉल पेपर इज़ द परफेक्ट वन, यू कैन गो फॉर दिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दिस जूट बास्केट। देखने में बेसिक सी जूट बास्केट है, काफ़ी बड़े साइज़ की है, बट मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने पहले एक ली थी, आपने पैसेजेरिया मेकओवर में देखी होगी, और उसके बाद मैंने एक और ली है। तो वो पहली वाली को तो मैं एज अ लॉन्ड्री बास्केट यूज़ कर रही थी, एंड ये वाली मैंने ली है बिकॉज मैं ना डाइनिंग एरिया पे ही काम करती हूँ, मेरा बेबी वहीं खेलता रहता है, मैं डाइनिंग पे काम करती हूँ या पूरे घर में घूम घूम के काम करती हूँ जहाँ मेरे बेबी को रहना होता है उधर। तो मैं कोई बैठ के कोई डेडिकेटेड वर्क एरिया मेरा नहीं है, तो मेरा जितना भी वर्क से रिलेटेड सामान है वो मैं इस बास्केट में डाल के रखती हूँ। एंड मुझे जिधर भी जाना रहता है मैं बस ये बास्केट उठा के बैठ के वहाँ अपनी दुकान खोल लेती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है एंड एट द सेम टाइम मेरा सारा क्लटर इस बास्केट के अंदर रहता है, तो विजुअल क्लटर नहीं होता है। मुझे देखने में जो जगह है साफ सुथरी क्लीन लगती है। सारा जो कबाड़ी है बास्केट के अंदर डाल दूँ, दैट्स इट। नाउ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है खाली है क्योंकि मैंने यूज़ कर लिया। ये एक्चुअली फ्रॉस्टिंग पेपर था, और फ्रॉस्टिंग पेपर मतलब जैसे ग्लासेस में फ्रॉस्टिंग इफेक्ट करते हैं ताकि आर पार ना दिखे। तो अगर आपको परमानेंट करना है तो उसके लिए एक स्प्रे आता है, अगर आपको परमानेंट करना है तो वो स्प्रे ले सकते हो, और नहीं करना है आप कुछ टाइम बाद वापस ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये फ्रॉस्टिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको जो ग्लास सरफेस है वहाँ इसको लगाना है एंड वो ब्लर्ड वाला इफेक्ट आ जाता है। तो मैंने अपने गेस्ट बेडरूम की अलमीरा में लगाया। वो एक्चुअली मैंने वो जो कबर्ड है वो लिया था इस हिसाब से कि अभी मैं उसको एज अ वार्डरोब यूज़ कर रही हूँ, बट बाद में अगर मेरा मन किया तो मैं उसको एज अ क्रॉकरी कैबिनेट या बुक शेल्फ भी यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे ट्रांसपेरेंट ग्लास की जरूरत होगी, बट राइट नाउ नहीं जरूरत है, तो मैंने फ्रॉस्टिंग पेपर रखा है। नाउ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो अगेन मैं उठा के नहीं दिखा सकती। इट्स अ रैक, ये 4 टायर रैक है, स्लिम रैक है वाइट कलर की। ये ना असेंबल होके नहीं आती, पीसेस में आती है ना, आपको उसको असेंबल करना होता है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है एंड कहीं भी कॉर्नर में डाल दो तो छुप जाती है आराम से। मैंने अपने बेडरूम में यूज़ किया हुआ है, मास्टर बेडरूम में यूज़ किया, वार्डरोब के बाजू में, एंड सारा जितना कचरा है मैं उसमें डाल के उसको पीछे वार्डरोब के अंदर छुपा देती हूँ। इट्स अ गुड ऑप्शन अगर आप ऐसा कुछ लेना चाहते हैं तो। इसको किचन में भी रख सकते हैं आप, किचन में जो आपके स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो सब इसमें रख सकते हैं, कहीं कोने में बस उसको डाल दो। सो इट्स अ गुड ऑप्शन। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन सब में से कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड सारे प्रोडक्ट के लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट, और अगर कोई डाउट भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई। और आगे कैसे वीडियोस देखना चाहते हो वो मुझे बताओ, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दो, गिव इट अ थम्स अप, एटलीस्ट इतना कर दिया करो, एंड सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आप लोगों को पता चल सके, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर कोई इस टाइप के कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हो तो उनसे शेयर करो, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून, हियर टिल देन, बाय बाय।